नाश्ता बना तो माया। क्या कहा तुमने? मैंने पूछा तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। मेरे नाश्ते तुम बनाती रही हो। बोलो। वो आंटी जरा बाहर गई थी तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम मुझे बहाने बहाने से मुझे बात करती रहती। क्या हो गया तुम्हें माया? मेरा नाम मत लो। ऐसा क्या हो गया है? मैं समझती हूँ कि तुम टेंशन में हो, लेकिन इस तरह घर का माहौल तो खराब मत करो। घर का माहौल मैं खराब कर रही हूँ या तुम? मैं कैसे? जब से तुम इस घर में आई हो तुमने इस घर का माहौल खराब करके रखा है। कभी मुझसे उलझते हो, कभी अम्मी से। किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है सिवाय तुम्हारे। हाँ मुझे है और मुझे रहेगी, इसलिए मुझे अपनी शक्ल कम कम दिखाया करो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चली आती हूँ। किचन में पहले से मैं मौजूद थी। ठीक है तो फिर तुम यही रहो, मैं चली जाती हूँ। कैसे आना हुआ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? जिसे आना चाहिए था वो तो नहीं आया। क्योंकि वो गुस्से में है। गुस्सा मसाइल का हल नहीं होता। लेकिन मैं तो आ गई हूँ ना। बोलिए क्या बात करने आई है? मैं माया को लेने आई हूँ, अपनी बहू को। नहीं, मैं माया को आपके साथ नहीं जाने दे सकती। हमदान ने उसे निकाला ना घर से, अब वो ही आएगा वापस लेने, तब मैं जाने दूंगी माया को। उससे मैं कोई फैसला मत करो ना सा, इस तरह भी मसाइल हल नहीं होते। जो हमदान कर रहा है वो भी ठीक नहीं थे। तुम तो समझदारी का मुजाहरा करो। अब हमदान को समझदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है मुझे नहीं। अच्छा माया कहाँ है? उसे बुलाओ, उससे तो मिल लेना। तुम मुझे भेज दियो।